बॉलीवुड के लिए 2022 बहुत ही खराब साबित हुआ। सिर्फ 3 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान तक सबकी फिल्में बुरी तरह से पिटी, लेकिन साल 2023 बॉलीवुड के लिए लकी साबित हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान से। इस साल बॉलीवुड के सभी दिग्गज सितारे अपनी फिल्मों के साथ तैयार हैं, लेकिन 3 ऐसी एक्शन फिल्मों पर इस साल नजर है जो पठान की तरह ही बॉक्स ऑफिस की तकदीर बदल सकती है। 2023 की सबसे बड़ी 3 एक्शन फिल्में SSS के कंधों पर। SSS सुनकर शायद आप सोच में पड़ गए होंगे, ये SSS कोई और नहीं बल्कि सलमान खान, शाहरुख खान और सनी देओल है। आइए एक नज़र डालते हैं इनके आने वाली फिल्मों पर। शाहरुख खान की जवान। शाहरुख खान की पठान ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा कर रख दिया। 250 करोड़ रुपए की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और इंडिया में 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई। SRK की अगली आने वाली फिल्म जवान है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अटली कुमार। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति और नयनतारा भी हैं। उसके साथ ही जवान फिल्म में थलापति विजय और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का कैमियो रोल भी हो सकता है। फिल्म का प्रोमो पहले ही धूम मचा चुका है। पठान की सक्सेस को देखते हुए इस फिल्म से फैंस की उम्मीदें सातवें आसमान पर है। सलमान खान की टाइगर 3। सलमान खान की टाइगर सीरीज की अगली फिल्म इसी साल रिलीज हो रही है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की सुपरहिट जोड़ी नजर आएगी। उसके साथ ही टाइगर 3 में आपको इमरान हाशमी भी देखने को मिलेंगे, जो पाकिस्तानी ISI एजेंट के रोल में दिखेंगे। वैसे टाइगर का जादू तो शाहरुख की पठान में भी देखा जा चुका है। शाहरुख खान की फिल्म में सलमान खान ने कैमियो किया था, जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। लास्ट में सनी देओल की गदर 2। सनी देओल की गदर 2001 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा गदर मचाई थी। एक लंबे टाइम से गदर फिल्म के सीक्वल का इंतजार हो रहा था, लेकिन 22 साल बाद सनी देओल फिर से लौट रहे हैं और उनके साथ में अमीषा पटेल भी हैं। गदर 2 का पोस्टर रिलीज हो चुका है और हो सकता है कि सनी देओल कई रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। ये फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।